हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पूजा की देसी गुजराती रेसिपी। आज हम बनाएंगे शिकंजी का मसाला और साथ में मैं बताऊंगी शिकंजी के मसाले से हम शिकंजी कैसे बनाएंगे। और ये मसाला आप मल्टीपर्पज से इसे आप शरबत, छाछ और फ्रूट और सलाद में भी यूज कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें सामग्री में क्या क्या चाहिए। यहाँ पर हमने सामग्री में सिर्फ 5 चीजें यूज की है। पहले हमने एक बाउल धनिया जीरा पाउडर ले लिया है, आधा बाउल नमक ले लिया है, आधा बाउल हमने काला नमक पाउडर ले लिया है, एक बाउल हमने जीरा ले लिया है, 25 से 30 हमने काले मरी ले ली है। वो आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, किसी को तीखा पसंद होता है और किसी को नहीं होता है। अब हम दोनों को भून लेंगे, जीरा और काले मरी को। अब यहां पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हम जीरा ऐड करेंगे। जीरे को हमें धीमी आंच पर थोड़ा सा भून लेना है जब तक उसमें से थोड़ी सी सुगंध आ जाए, थोड़ी सी स्मेल आ जाए, तब उसमें हम मरी ऐड कर लेंगे। इसे हमें धीमी आंच पर ही भूनना है, नहीं तो हमारा जीरा जल जाएगा। अब उसमें हम मरी ऐड करेंगे। मरी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 25 से 30 मरी ले लिए। अब इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे और इसका हम बाद में फाइन पेस्ट बना लेंगे मिक्सी में। अब यहाँ पर मैंने फाइन पाउडर बना लिया है जीरा और मरी का, आप देख सकते हैं। अब इसे हम छान लेंगे, इस तरह की छन्नी की मदद से इसे हम छान लेंगे ताकि जो बड़ा पीस रह गया हो वो ऊपर रह जाए। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने एकदम फाइन पेस्ट बनाया है। अब इसे हम छान लेंगे। अब हमने यहाँ पर सारा पाउडर को छान लिया है, आप देख सकते हैं। अब उसमें हम संचल ऐड करेंगे। संचल को भी अच्छे से छान लेंगे ताकि उसमें जो गुठलियां होगी वो रह जाएगी ऊपर। इस तरह से अच्छे से संचल को भी, काले नमक को भी छान लेंगे। और अब हम अपने सारे मसाले उसमें मिक्स करेंगे। अभी हम उसमें अच्छे से मिक्स करते हुए दूसरे मसाले हम ऐड करेंगे। अब उसमें हम धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे, ये घर का बनाया हुआ धनिया जीरा पाउडर है। नमक ऐड करेंगे। नमक अगर आपको बाद में थोड़ा कम लगे तो आप थोड़ा ज्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बार चेक करके डालें और सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। इसे आप तो छाछ में भी यूज कर सकते हो, और मल्टीपर्पज मसाला है तो आप नींबू पानी, सलाद और फ्रूट्स में भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कटोरी में मसाला ले लिया है। अब मैं शिकंजी कैसे बनाते हैं वह मैं आपको दिखाऊंगी। अब जरूरत के अनुसार हम मसाला ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी शक्कर ले ली, 4 से 5 चम्मच जितनी, और 4 नींबू के स्लाइसेस ले लिए। यहाँ पर मैं आपको 4 से 5 गिलास बनाना सिखाऊंगी। 2 नींबू का जूस ले लिया है, 2 क्यूब्स ले लिए बर्फ की, और ठंडा पानी ले लिया है। जो हम पेस्ट बनाएंगे उससे हम 4 से 5 गिलास शरबत बना सकते हैं। और 8 से 10 पुदीने के पत्ते ले लिए हैं, वो भी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। अगर नहीं पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने मिक्सिंग जार ले लिया है, उसमें हम पुदीना ऐड करेंगे और शक्कर ऐड करेंगे, नींबू का जूस ऐड करेंगे,
और मसाला हम ऐड करेंगे साथ में। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच जितना मसाला ऐड किया है, आपको अगर ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम मिक्सी में थोड़ा पानी ऐड करके पीस लेंगे, फाइन पेस्ट बना लेंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिक्सी में थोड़ा पानी ऐड करके मैंने फाइन पेस्ट बना ली है। अब हमने यहाँ पर 2 ग्लास ले ली है, 1 ग्लास में हम 3 चम्मच पेस्ट ऐड करेंगे, इससे हमारा काम बन जाएगा 1 ग्लास के अनुसार। 3 चम्मच पेस्ट ऐड करने से हमारा शरबत मीठा भी बन जाएगा और यम्मी भी लगता है। अब उसमें हम बर्फ की क्यूब ऐड करेंगे और ठंडा पानी ऐड करेंगे। दोनों ग्लास में हम ठंडा पानी ऐड कर लेंगे और 1 चम्मच की मदद से अच्छे से पेस्ट को मिक्स कर लेंगे ग्लास में। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है हमारी शिकंजी का, पुदीने की वजह से हरा कलर आता है। अगर आपको नहीं पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब उसमें हम नींबू की स्लाइस ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने पुदीने से गार्निश कर लिया है ग्लास को, आप देख सकते हैं। अब उसमें हम नींबू की स्लाइस एक ऐड करेंगे और दूसरी स्लाइस हम ग्लास के किनारे पर रख कर गार्निश कर लेंगे। इस तरह से हम ग्लास के किनारों के ऊपर एक स्लाइस रख देंगे और हमारा शिकंजी बिल्कुल तैयार है, नींबू शिकंजी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी शिकंजी की रेसिपी कैसी लगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद।